ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9, अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अस्नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान्। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं, त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा। त्रैविद्या का मतलब है तीन वेदों को मानने वाले। जो तीन वेदों को मानते हैं उन्हें त्रैविद्या कहा जाता है, है ना। तो वे क्या करते हैं, तीन वेदों को मानते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मेरी वो पूजा करते हैं, है? सोमरस पीने वाले हैं, वे सोमरस को पीते हैं और मेरी पूजा करते हैं, पापों से मुक्त हो जाते हैं, मेरी पूजा करते हैं यज्ञों के द्वारा। तीन वेदों को जो मानते हैं वो यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करते हैं, लेकिन क्या चाहते हैं, स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग की गति चाहते हैं, क्योंकि तीन वेदों में यही बताया गया है कि स्वर्ग की प्राप्ति है बड़ा लाभ है। तीन वेदों में बताया गया स्वर्ग की प्राप्ति में बड़ा लाभ है। तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए वे मेरी पूजा करते हैं, यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करते हैं। ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम, तो वे उस पुण्य को प्राप्त करके कहाँ जाते हैं, सुरेंद्र लोकम, इंद्र देवताओं के इंद्र के लोक में जाते हैं। अस्नंदि दिव्यान दिव्य देव भोगान, तो स्वर्ग में वे जो है दिव्य भोगों को भोगते हैं, जो देवताओं के भोग हैं उनको वो प्राप्त करते हैं स्वर्ग में जा करके। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। त्रैविद्या शब्द तीन वेदों साम यजु तथा ऋग्वेद का सूचक है, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं त्रैविद्या का मतलब है तीन वेद। कौन कौन से वेद, साम यजु और ऋग, है ना। लेकिन इस समय चार वेद हैं, इस समय चार वेद हैं, लेकिन जिस समय भगवान गीता का उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को उस समय तीन ही वेद हैं। भगवान ने जब गीता का भगवान ने गीता का उपदेश दिया जिस समय अर्जुन को उस समय तीन ही वेद थे। आगे चल करके व्यास जी ने जब देखा कि कलयुग में लोगों की बुद्धि बहुत कमजोर होगी और वैदिक मंत्रों को वे धारण नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने तीन वेदों के जो है चार वेद बना दिए और नाम क्या दिया, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये जो अथर्ववेद है ये कोई अलग से नहीं बनाया व्यास जी ने, तीन वेदों के जो चार वेद बनाए हैं तो उसमें अथर्ववेद कोई अलग से नहीं बनाया। तीन वेदों के मंत्र को ही जो है, तीन वेदों के मंत्रों को ही जो है चार वेदों में विभाजित किया, इस प्रकार से चार वेद बने। मंत्र उतने ही हैं, है ना। तो इन वेदों में जो बताया गया है वह स्वर्ग की प्राप्ति को ही बड़ा लाभ बताया गया है। तो भी लोग चूंकि वेदों को मानते हैं तो स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए मेरी पूजा करते हैं और यज्ञों से ही मेरी पूजा करते हैं, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि वे पुण्य को प्राप्त करके
देवताओं के दिव्य भोगों को भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं। तो यहाँ आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वो त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। तो वेदों के अध्ययन का जो चरम लक्ष्य है वो लोग नहीं जानते। आज के श्लोक में भी भगवान ये बता रहे हैं कि जो तीन वेदों को मानने वाले हैं वे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मेरी पूजा करते हैं यज्ञों के द्वारा। तो वास्तव में वेदों का जो है जो चरम लक्ष्य है वो नहीं जानते। दूसरे अध्याय में भी भगवान श्लोक संख्या 42 और 43 में यही बताते हैं, याम माम पुष्पिदाम वाचम प्रवदन देव पश्चिता। तो वे ज्यादा विचारशील नहीं है, ज्यादा विचार नहीं करते हैं। पुष्पिताम वाचम, वेदों की पुष्पिता वाणी को ही बोलते हैं। पुष्पिता का मतलब बहुत उसमें फूलों से सजी है वाणी, बड़ी सजी सजाई है, पुष्पिता वाणी है। त्रैविद्या माम या माम पुष्पिताम वाचम प्रवदन देवे पश्चिता, वेदवाद रता पार्थ, वेदवाद में लगे रहते हैं, वेदों के वाद में ही लगे रहते हैं। नान्यदस्थिति वादिना, और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है यही बोलते हैं। यानी स्वर की प्राप्ति इससे बड़ा और कोई लाभ है ही नहीं, वो यही बोलते हैं। तो वेदों में बताया गया है स्वर की प्राप्ति, लेकिन वे जो है इसको इतना पकड़ लेते हैं इस बात को कि इससे आगे वो जानना ही नहीं चाहते। ना अन्यत अस्तित्ववादी ना काम आत्मा ना स्वर्ग प्राप्त, क्योंकि उनके अंदर काम भरा है, काम भरा है। तो स्वर्ग परा, स्वर्ग को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। काम आत्मा ना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान, तो स्वर्ग में जाएंगे और देवताओं के भोगों को भोगेंगे और बाद में नीचे आएंगे तो किसी अच्छे परिवार में जन्म लेंगे, ये उनका लक्ष्य। वेदों को तो मानते हैं लेकिन वेदों को जानते नहीं, इसलिए उनके जीवन का यही चरम लक्ष्य है कि स्वर्ग में जाएं और भोगों को भोगें और फिर जब वहां से नीचे आएंगे तो अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा। ये क्या यही चरम लक्ष्य है वेदों का? नहीं, वेदों का चरम लक्ष्य क्या है? वेदस्य सर्वैर्हम्य वेद्यो, कृष्ण को जानना है। वेद जो है वास्तव में कृष्ण के श्वास से उत्पन्न हुए और कृष्ण की प्राप्ति कराने के लिए, वेदों से कृष्ण की प्राप्ति सबसे बड़ा फल कृष्ण की प्राप्ति है, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है। तो यहाँ आगे प्रभुपाद लिखते हैं, दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते, इसीलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। अगर कोई वेदों को जान ले तो वो कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाए। तो आजकल बहुत लोग इस तरह के हैं जो वेदों को मानते हैं लेकिन कृष्ण को नहीं मानते, तो फायदा क्या हुआ? वेदों को मानने का क्या फायदा हुआ? गीता 15:15 में भगवान कहते हैं, वेदे से सर्वेर हमें वेद्यो, समस्त वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य यानी जानने योग्य हूं। और जो व्यक्ति वेदों को तो मानता है लेकिन कृष्ण को नहीं जान रहा है, तो क्या फायदा हुआ? पारंगतो भी वेदानाम सर्वशास्त्रार्थ वेद्यपि, वेदों के जिसने पार पा लिया, खूब अध्ययन किया वेदों का और सब शास्त्रों के अर्थों को भी जानता है, यो न सर्वेश्वरे भक्तस,
फिर भी वो कृष्ण का भक्त नहीं है तो तम विद्यात पुरुषाधमम, उसको पुरुषाधम मानो। सब वेदों का अध्ययन कर लिया, पार पा लिया, सब शास्त्रों के अर्थ को जान लिया, फिर भी कृष्ण का भक्त नहीं है तो क्या है वो? मनुष्य में अधम, तम विद्यात पुरुषाधमम। आगे प्रभुपाद लिखते हैं भक्ति का सूत्र पात्र, भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। भक्ति का शुरुआत क्या? हरे कृष्ण का कीर्तन और कृष्ण को समझने के प्रयास से होता है। कृष्ण को समझने का प्रयास आप करते हैं इसलिए आप बैठे हैं यहाँ, गीता का अध्ययन करते हैं। तो जो पुस्तकों का अध्ययन करें, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें और पुस्तक का अध्ययन करें, है ना, तो ये भक्ति की सूत्रपात होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। तो वेदों के छात्र हैं लेकिन वे वेदों के ज्ञाता नहीं हैं, वेदों को जानते नहीं है ना। आगे ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कलमस से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों यथा महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में लाखों गुना क्षेत्र है इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ, है ना। तो कोई व्यक्ति वेदों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, है ना। तो ये अब इस श्लोक पर जो श्री भगवान ने कहा कि व्याख्या है तो काफ़ी विस्तृत है, उसमें से कुछ बिंदु में पढ़ के सुनाऊंगा। अंतिम दो पंक्तियों के शब्द हैं ते पुण्यम आसाद्य स्वर इंद्र लोकम अस्नंदी दिव्यां देवी देव भोगान, अर्थात वे लोग पुण्य प्राप्त करके इंद्रलोक में आकर देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे लोग यज्ञों को करके पुण्य प्राप्त करते हैं। ये समझने की बात है कि भक्ति के द्वारा व्यक्ति श्री कृष्ण के लोक में जाता है परंतु पुण्य के द्वारा व्यक्ति स्वर्ग लोक में जाता है, है ना। भक्ति के द्वारा कहाँ जाते हैं आप? कृष्ण के लोक में जाते हैं, है ना। और पुण्य के द्वारा कहाँ जाते हैं आप? स्वर्ग में जाते हैं, है ना। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके शुद्ध भक्ति करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे कर्मकांडी लोग पुण्यों को प्राप्त करके स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? कर्मकांडी। वेदों को जो मानते हैं और स्वर्ग भोगने के लिए यज्ञ करते हैं वे क्या कहलाते हैं? कर्मकांडी। ऐसे कर्मकांडी लोग पुण्यों को प्राप्त करके स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि यदि व्यक्ति सचमुच कुछ भोगों को भोगना चाहता है तो उसे स्वर्ग में जाना चाहिए। स्वर्ग स्थान भोगों को भोगने के लिए है, ये पृथ्वी भोगों को भोगने के लिए नहीं है। सबसे अच्छा तो यह है कि हम भोगों को ना भोगें और कहाँ जाएं? भगवान के धाम में जाएं, कृष्ण की भक्ति करें और कृष्ण के धाम में जाएं। लेकिन अगर भोगों को भोगने की इच्छा है तो पृथ्वी में ना रहो, कहाँ जाओ? स्वर्ग में जाओ। अगर भोगने की इच्छा है तो पृथ्वी में भोग नहीं है तो लोग जो है पृथ्वी में भोगने की कोशिश करते हैं लेकिन होता क्या है? रोग पैदा होते हैं कि हमारा शरीर भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है, तपस्या करने के लिए मिला है। और शरीर से अगर भोगों को भोगते हैं तो क्या होता है? रोग मिलते हैं। सुखता क्रियते रामा भोगा पश्चादंत शरीरे रोगा। भोगों को भोगने में तो बड़ा आनंद आता है लेकिन उसके बाद शरीर में रोग पैदा होते हैं।
यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम। यद्यपि इस संसार में जन्म ही नहीं मृत्यु ही की शरण लेनी है, यद्यपि इस संसार में मृत्यु की ही शरण मिलेगी, तदपि न मुंचति पापाचरणम, फिर भी पाप के आचरण को बंद नहीं करता है वो, है ना। तो यहां पर यदि हम इस पृथ्वी पर भोगों को भोगते हैं तो अनेक प्रकार के रोग आ जाते हैं तथा अनेक प्रकार के भय प्राप्त होते हैं, परंतु स्वर्ग लोक में भोग प्राप्त होते हैं तथा किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है। यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म कांड के अनुसार यज्ञों को करने से यद्यपि स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा वहां पर भोग प्राप्त होते हैं, परंतु यह समझने की बात है कि श्री कृष्ण को भूलकर जो भी सुख प्राप्त होते हैं वे सुख वास्तव में दुख ही हैं। कृष्ण को भूल करके अगर आप कोई सुख पाना चाहते हैं तो वो क्या है, दुखी है, है? सुख नहीं है। जिस समय जीव श्री कृष्ण को भूलकर भोगों को भोगता है उस समय वह पूरी तरह से माया की चपेट में आ जाता है तथा माया उसे अनेक प्रकार दुख प्रदान करती है। स्वर्ग में भी माया कृष्ण भावना भावित रहे, नहीं क्षमा करना, स्वर्ग में भी माया उसे शांति नहीं प्रदान करती है, इसलिए अच्छा यही है कि हम सदा कृष्ण भावना भावित रहें, चाहे सुख मिले चाहे दुख, हमें सदा श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में शीला प्रभुपाद लिखते हैं, कर्म कांड वेद त्रय साधा नेते पूर्ण है, सोमे रस पाने पापे छय, यज्ञ मोर उपासना ये बाकारे से साधना, स्वर्ग सुख प्रार्थना सिकारे, पुण्य ते फले ते सही सुरेंद्र लोके ते जाई, दिव्य सुख भोग ये था कारे। तो आज के श्लोक का जो संदेश है वो यही है कि जो लोग यज्ञों के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं तो वे स्वर्ग में जाते हैं और दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति है क्या बड़ा लाभ है, है नहीं है, स्वर्ग की प्राप्ति में कोई बड़ा लाभ नहीं है। क्यों नहीं है लाभ, कौन बताएगा, है बार बार जन्म लेना पड़ेगा, स्वर्ग से हम फिर इस पृथ्वी में आएंगे तो अच्छा नहीं है। अगर भगवान के धाम में जाते हैं तो लौट के नहीं आना पड़ेगा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम है परम मम, जहां जाकर के वापस कोई नहीं लौटता है वो मेरा परम धाम है। तो कृष्ण के धाम में अगर हम जाएं हैं तो सबसे बड़ा लाभ, दुर्भाग्य से लोग इस बात को समझते नहीं। विशेष रूप से ये जो कलयुग चल रहा है इसमें ज्यादा से ज्यादा अज्ञान फैल रहा है, अब वो अज्ञान किसके माध्यम से फैल रहा है, शिक्षा के माध्यम से फैल रहा है, शिक्षा में ही वो अज्ञान फैल रहा है। और वो अज्ञान क्या है कि शरीर के साथ हम भी मर जाएंगे, शरीर जब नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, ये अज्ञान। इसलिए कोई सोचता भी नहीं है इस जीवन के बाद हमें कुछ करना है,
इस जीवन के बाद हमें कहाँ जाना है, हम क्या करेंगे, इस विषय में कोई सोचता ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद ने सबसे ज्यादा इसी बात पर जोर दिया है कि अगला जीवन है। जो लोग अगला जीवन को मानते हैं लेकिन स्वर्ग जाना चाहते हैं, ये तो दुर्भाग्य है। अगला जीवन मानते हैं कि अगला जीवन है और इसका लाभ क्या मानते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति, ये क्या है, दुर्भाग्य है। क्योंकि जितने भी लोक हैं, चाहे ब्रह्मा जी का लोक क्यों ना हो, ब्रह्मा जी लोक में भी चले जाऊं तो वहां से भी नीचे गिरना पड़ता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मेरे पास जो आए वो वापस नहीं आता है। तो सबसे अच्छा यही है कि हम कृष्ण के धाम में जाएं और इस भौतिक संसार में ना आए। दुखालयम अशाश्वतम, ये भौतिक संसार क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। तो स्वर्ग जाएं, अच्छा है स्वर्ग चले जाएं, अच्छी बात है, लेकिन फिर क्या होता है, स्वर्ग जाने के बाद वापस आना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परम मम, जहां जाकर के कोई वापस नहीं आता वो मेरा परम धाम है, जहां आपको वापस नहीं आना पड़ेगा। और स्वर्ग में आप जाते हैं तो क्या होता है, आप तो वापस नहीं आना चाहते लेकिन आपको वापस गिरा दे देते, स्वर्ग से ढकेल देते हैं, जाओ नीचे, आपकी पुण्यों की संपत्ति समाप्त हो गई है, अब आप जाइए, गिरा देते हैं स्वर्ग से। तो ये और कष्ट है, स्वर्ग में आपने देवताओं के भोग भोगे और फिर देवताओं के बीच से आपको भगा देते हैं, कैसा लगता है, क्यों जाए। अगर इस प्रकार का व्यवहार करना है तो पहले से सोच लो कि भाई जाना या नहीं जाना। तो वेदों के जानने वाले हैं लेकिन क्या सोच रहे हैं कि हमें स्वर्ग में देवताओं के भोग प्राप्त होंगे तो हम क्यों ना स्वर्ग जाएं। लेकिन ये नहीं सोचते कि स्वर्ग में जाएंगे और बड़ा आदर सत्कार होगा और जैसे हमारे पुण्य समाप्त हो गए तो वो क्या करेंगे, चल भाग यहाँ से, भगा देंगे, तो कैसा लगेगा। धन्यवाद, कैसा लगेगा है? आप स्वर्ग में जाते हैं तो आपके जब पुण्य होते हैं, आपके पुण्य देखे जाते हैं, कितना पुण्य है, तो आपके पुण्य देखे जाते हैं तो आपके पुण्यों के अनुसार आपको अच्छा स्थान मिलता है स्वर्ग में रहने के लिए और अच्छे अच्छे प्रकार के भोग मिलते हैं भोगने के लिए। लेकिन जैसे ही आपके पुण्य समाप्त होते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं, चलो निकलो यहाँ से, और क्या करते हैं, धकेल देते हैं नीचे की तरफ, नीचे की तरफ धकेल देते हैं तो आप ऊपर से नीचे गिरते हैं। और कैसे नीचे गिरते हैं, सिर नीचे और बाल पैर ऊपर, स्वर्ग से जो गिरते हैं वो कैसे गिरते हैं, पैर ऊपर और सिर नीचे, इस तरह से गिरते हैं।
तो उससे अच्छा कि ना जाएं, स्वर्ग ना जाएं, वो ज़्यादा अच्छा है, है? मान लीजिए कि मैं आपके घर में आऊं, आप बोले प्रभु जी आइए, बहुत अच्छा, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, अच्छा खाना पीना खिलाएं, और फिर बाद में कहें चल भग यहाँ से, धक्के दे के बाहर निकाल दें, तो क्या अच्छा है? हैं? अच्छा है? नहीं, अच्छा नहीं है। तो वेदों को जान करके भी जो है इतना ज्ञान है, तो वेदों में भगवान कृष्ण का वर्णन है। बातें नहीं, आपस में कोई बातें नहीं करेगा। वेदों में भगवान कृष्ण का वर्णन है, लेकिन जो वेदों को पढ़ते हैं उन्हें नहीं मिलता वो वर्णन, गुप्त है। भगवान कृष्ण का ही गुणगान है वेदों में, लेकिन ऐसे देखने में नहीं मिलता। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ, तो भगवान कृष्ण वेदों से दुर्लभ हैं, वेदों के द्वारा उनको जानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सुदुर्लभम आत्मभक्तौ, अपने भक्तों के लिए सुदुर्लभ हैं। तो वैकुंठ में भगवान के धाम में आप अगर जाते हैं तो वहाँ ऐसा कभी व्यवहार नहीं होता कि आपको निकाला जाएगा, निकलना पड़े, क्योंकि वो स्थान जो है पुण्यों के द्वारा नहीं मिलता, पुण्य के द्वारा नहीं मिलता। कैसे मिलता है? पुण्यों के द्वारा नहीं मिलता भगवान का धाम, कैसे मिलता है? भक्ति के द्वारा मिलता है। और वहां पर भगवान का प्रेम मिलता है, भगवान का प्रेम मिलता है। भगवान कैसे हैं? अपने को ही दे देते हैं, फिर निकालेगा कौन आपको? भगवान के धाम में आप जाते हैं तो भगवान अपने को ही दे देते हैं, अपने से कम देते नहीं, भगवान अपने को ही देते। तो इसलिए लक्ष्य हमारा ये है, सबसे बड़ा श्रेय यही है। आज के श्लोक में ये बताया गया है, श्रेय साम अपि सर्वेषाम आत्मा अवधि अर्थतः, सब प्रकार के श्रेयों में, कल्याणों में जो अवधि है अर्थ के अनुसार, वो क्या है? अपना कल्याण हो, हमारा कल्याण, ये सब प्रकार के कल्याणों में। लोग क्या सोचते हैं? हमारा कल्याण इसी में है कि हमको ये सुख मिले, वो सुख मिले, ये भोग मिले, वो भोग मिले, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियों को संतुष्ट करने में अपना कल्याण मानते हैं, या कोई अपने मन को संतुष्ट करने में कल्याण मानते हैं, या आपने इंद्रियों को संतुष्ट किया, मन को संतुष्ट किया, लेकिन आप स्वयं संतुष्ट नहीं होते तो क्या फायदा? असली कल्याण क्या है? असली कल्याण यह है अपनी सुरक्षा हो। इस भौतिक संसार में हमारी सुरक्षा कैसे हो? असली कल्याण यह है। तो आत्मा सब प्रकार के कल्याणों की अवधि क्या है? आत्मा की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा। और फिर दूसरी पंक्ति, सर्वेषाम अपि भूतानां हरि आत्मा, और सभी आत्माओं में, सभी आत्माओं की आत्मा कौन है? भगवान कृष्ण है। सभी आत्माओं की आत्मा भगवान कृष्ण है। इसका मतलब क्या है? अपना सबसे बड़ा कल्याण किस में है? कि कृष्ण को प्रसन्न किया जाए। अगर कृष्ण प्रसन्न होंगे तो हमें प्रसन्नता प्राप्त होगी, और कृष्ण अगर प्रसन्न नहीं होते तो हमें प्रसन्नता कैसी प्राप्त होगी? जो बाद में समाप्त हो जाएगी, बाद में रोने में बदल जाएगी, रोना पड़ेगा।
और कृष्ण को अगर प्रसन्न करते हैं तो हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो सबसे बड़ा जो कल्याण है वो किसमें है? कृष्ण को प्रसन्न करने में। और फिर कहा है कि हरि आत्मा आत्मदाह, आत्मदाह का मतलब वो अपने को ही देने वाले, कृष्ण अपने को ही दे देते हैं। जैसे कोई कृष्ण को अपना पुत्र बनाना चाहता है तो कृष्ण पुत्र के रूप में मिल जाते हैं, ठीक है मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, और पुत्र में अपना पूरा अधिकार, तो कृष्ण अपना अपने को दे देते हैं। जैसे आपका बच्चा होता है तो आपका पूरा अधिकार होता है बच्चे में, तो कृष्ण जो है आपके बच्चे बन जाते हैं, आपका पूरा अधिकार रहता है कृष्ण, इसको कहते हैं आत्मदा। आत्मा अपने को ही देते हैं भगवान, ये संसार में कौन अपने को देगा, अपने को नहीं देता है। वो दे देंगे हाथी घोड़ा कार और चेक देंगे, अपने को कौन देगा, अपने को कोई नहीं देता, लेकिन भगवान अपने को देते। हरि आत्मा आत्मदाह, क्योंकि वे आत्मा को देने वाले हैं। कोई उनको कृष्ण को अपना पिता बनाना चाहता है तो उसके पिता बनने के लिए तैयार है, कोई कृष्ण को अपना मित्र बनना चाहता है तो वे उसके मित्र बनने के लिए तैयार है। आत्मदाह, इसलिए हरि आत्मा आत्मदाह। और फिर प्रिया, बहुत प्रिय हैं भगवान। जब अपने को दे देते हैं तो भगवान बहुत प्रिय होते हैं, अपना प्रेम देते हैं। यहां पर यह नहीं कहा गया है कि भगवान अपने को दे देंगे तो आप ही भगवान बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए अंत में क्या कहा, प्रिय है, ये भगवान प्रिय बन जाते हैं आपके, इसका मतलब आप भगवान नहीं बनते है? आप भगवान के प्रिय बनते हैं। तो हमें भगवान नहीं बनना है, क्या बनना है, भगवान के प्रिय बनना है। जैसे लोग कहते हैं भाई गुरु भगवान है, गुरु भगवान है, गुरु को भगवान मानना चाहिए, गलत है, गुरु भगवान नहीं है, है? यद्यपि शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु भगवान है, लेकिन किंतु प्रभोर यह प्रिय वितस्य, वो तो भगवान के प्रिय हैं, गुरु जो है भगवान के प्रिय होते हैं। अगर बोला भी जाए कि गुरु भगवान है तो बोलने के लिए बोला जाता है, लेकिन वास्तव में गुरु जो है भगवान के क्या होते हैं, बहुत प्रिय सेवक होते हैं। तो स्वर्ग में बहुत से जो है दिव्य भोग हैं, वो स्थान जो है भोगने के लिए होता है। लेकिन भौतिक जो है संसार में, विशेष इस पृथ्वी में ये भोग भूमि नहीं है, ये कर्म भूमि है। इसलिए ऋषभदेव क्या कहते हैं कि नायम देहो देह भजाम लोके, ये जो मनुष्य लोक में जो शरीर मिला है आपको, तो ये भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है, कि बड़े कष्ट पूर्वक आपको कुछ भोग प्राप्त होंगे और आगे चल करके वो नष्ट हो जाएंगे। कष्टान कामान अर्हते विर्भुजामे, और ये सब भोग जो है जो हम भोगना चाहते हैं, ये तो मल खाने वाले जो कीड़े हैं या पशु हैं उनको भी मिलते हैं। कष्टान कामान अर्थे विर्भुजामे तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्वम, दिव्य तपस्या करने के लिए यह मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा सत्वम शुद्धेत, अपना जीवन शुद्ध होगा, हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा।
तपो दिव्यम पुत्रकालीन सत्वम सुदेजस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंदम, और उसके द्वारा ही ब्रह्म सुख अनंत सुख अनंत ब्रह्म सुख प्राप्त होता है। ब्रह्म सौख्यम तनंतम, वो सुख प्राप्त होता है जो अनंत है, जो कभी समाप्त नहीं होता। जितने इंद्रियों के सुख हैं वे जल्दी समाप्त हो जाते हैं, यही संस्पर्श जहां भोगा दुख यो न एवते। जितने इंद्रियों के भोगों से सुख प्राप्त होते हैं ये सब दुख उत्पन्न करने वाले हैं। दुख यो न एवते, दुख के योनि हैं। दुख यो न एवते आद्यंत बनता कौन ते, आदि और अंत वाले हैं। न तेसु रमते बुधा, इसलिए बुद्धिमान लोग उनमें नहीं रमते। तो मनुष्य लोग, मनुष्य का शरीर जो है ये भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है। तो कुछ लोग स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं इस मनुष्य के जीवन का लाभ समझ करके, कि मनुष्य जीवन का लाभ यही है कि स्वर्ग की प्राप्ति हो। लेकिन स्वर्ग में आप जाते हैं तो कभी भी ये गारंटी नहीं मिलती है कि आपको इतने समय तक रखा जाएगा, गारंटी नहीं मिलती स्वर्ग में। तो आपके पुण्यों का जो बैरोमीटर है ना, तो वो देखा जाता है कितना है। और आपने एक दिन में ही अगर अपने सब पुण्य छीन कर दिए, इतना भोग लिया कि एक दिन में, तो एक ही दिन से आप को भगा देंगे। आपने इतना पुण्य भोग लिया तो वो जो है वहाँ एक दिन में भी आप अपने हजारों सालों के पुण्यों को आप खत्म कर सकते हैं। होता है ना, जैसे कहीं अमेरिका आप जाते हैं, कहीं बड़े बाजार में जाते हैं, सुपर मार्केट मॉल में जाते हैं, और आपकी जेब में 1,000 रुपए हैं, और आप अगर खर्चा करना चाहो तो क्या कुछ है रोक टोक है कि भाई खर्चा आप नहीं करेंगे और कई दिन तक चलेंगे? 1,000 रुपए आप जो है 1 घंटे में भी ख़त्म कर सकते हो, सब ख़त्म हो जाएंगे। उसी प्रकार से स्वर्ग में आपने बहुत पुण्य करके स्वर्ग प्राप्त कर लिया तो ये कोई गारंटी नहीं मिलती कि वहाँ आप 1 साल रहेंगे। बल्कि एक दिन की भी गारंटी नहीं मिलती, एक दिन में भी जो है खत्म हो सकते हैं आपके पुण्य। जैसे महाराज ये आती स्वर्ग गए, तो हम बहुत पुण्य किए थे स्वर्ग गए, तो इंद्र देवता के साथ जो है वो रहते हैं, इतना पुण्य था, इंद्र के साथ रहते हैं, बहुत पुण्य था। तो इंद्र ने सोचा कि भाई इनको हमें निकालना है, स्वर्ग से निकालना चाहिए। तो स्वर्ग से निकालने के लिए जरूरी है कि पुण्य समाप्त हो जाए। तो इंद्र ने राजा याति से पूछा, बातें नहीं, यहाँ कौन बातें कर रहा है? आप लोग यहाँ बातें करने के आए हैं? जिनको बातें करना है बाहर बहुत जगह पड़ी है, आपस में कोई बातें नहीं करेगा। बातें करने के लिए बाहर बहुत जगह पड़ी है, बिल्कुल शांत, आपस में बिल्कुल बातें नहीं। तो मैं क्या बता रहा था, राजा याति स्वर्ग गए, बहुत यज्ञ किए थे, स्वर्ग गए। तो इंद्र ने जो है एक बात उठाई राजा याति से, एक चाल है, एक चाल चली। इंद्र ने कहा कि महाराज आपको लगता है कि आपसे भी ज़्यादा कोई किसी व्यक्ति ने पृथ्वी में पुण्य किए? राजा याति से कहा कि आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा भी किसी व्यक्ति ने पुण्य किए हैं? तो राजा याति बोले कि मुझे तो नहीं लगता,
कि मुझसे ज्यादा किसी ने पुण्य किया है। इंद्र ने कहा आपके पुण्य समाप्त हो गए, अब आप जाओ, आपने मुझसे बोल दिया, तुमने क्या हो गया, खत्म, जाओ नीचे नीचे जाओ नीचे, हो गया सब खत्म हो गया पुण्य। अब हजारों सालों तक पुण्य किए थे, लेकिन बोल दिया आपने मुझसे मिलो। अर्जुन गए थे स्वर्ग में, तो वहां 5 दिन रहे अर्जुन, तो कोई भोग नहीं भोगा, एक भी भोग नहीं भोगा अर्जुन ने वहां, उनका जो है मन इंद्रियां बस में थी, कृष्ण के भक्त हैं, तो स्वर्ग में गए एक भी भोग नहीं भोगा। उर्वशी की तरफ देख रहे थे, उर्वशी नृत्य कर रही है इंद्र की सभा में, अर्जुन उर्वशी की तरफ देख रहे हैं, इंद्र को लगा कि अर्जुन शायद उर्वशी को भोगना चाहते हैं, तो उर्वशी को कहा कि रात में तुम जाओ अर्जुन के पास जाओ, हाँ, और अर्जुन को संतुष्ट करो। तो उर्वशी आई, लेकिन अर्जुन ने कहा कि माता आप क्या हो, आप कैसे आई, बोले मुझे माता क्यों कह रहे हो, मैं तो तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हें चाहती हूँ, तुम भोगो मुझे। तो बोले ना रे, मैं तो जो है आपको इसलिए देख रहा था कि आप हमारी माता हैं, क्योंकि आप का जो है जब राजा पुरुरवा से जब मिलन हुआ था, तो उनसे ही जो संतान उत्पन्न हुए, राजा पुरुरवा की आयु उनके पुत्र हुए, तो उनकी हमारे वंश की माता हो आप, तो हमारे वंश की माता हो। तो उर्वशी को अर्जुन ने नहीं भोगा और फिर वापस आ गए। तो ऐसे भक्त होते हैं, और उर्वशी को अगर भोग लिया तो हजारों साल के पुण्य एक ही बार में खत्म हो जाएंगे, खत्म। तो ऐसे पुण्यों की कोई गारंटी नहीं, आपने कितने पुण्य किए हैं, हजारों साल तक पुण्य किए हैं और स्वर्ग में 1 मिनट में भी सब समाप्त हो जाएंगे, अब नीचे गिरो, फिर से चूहा बनो, है ना। तो ये जो है मतलब हार है स्वर्ग में, इसलिए जिनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है उनके लिए त्रिदशपुर आकाश पुष्पाए थे। स्वर्ग का जो सुख है वो आकाश के फूल की तरह बन जाता है। आकाश में फूल होता है क्या? आकाश में फूल नहीं होता है, आकाश में फूल जैसे खिला हो, ऐसा जो है स्वर्ग का सुख उनके लिए हो जाता है। स्वर्ग में सुख है ही नहीं, बेकार है, क्या करेंगे। तो भगवान चैतन्य की जिनको कृपा प्राप्त हो जाए तो उनके लिए स्वर्ग में जो है कोई आकर्षण नहीं है, वो स्वर्ग जाना ही नहीं चाहते। तो ये हमें समझना है, इसलिए भगवान कहते हैं आज के समय में भगवान कहते हैं कि स्वर्ग भोगते हैं वो, अस्नंदि दिव्यान दिव्य भोगान भोगते हैं। अगले श्लोक में भगवान फिर बताएंगे, अगला श्लोक आएगा कि क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, पुण्य क्षीण होने पर मर्त्यलोक में आ जाते हैं, वो पुण्य क्षीण जो है जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं पुण्य, है ना। तो इसलिए हमें कृष्ण का भजन करना चाहिए, और कृष्ण का भजन इस तरह से करना चाहिए कि चाहे स्वर्ग में जाएं और चाहे नरक में जाएं, लेकिन कृष्ण को याद करें, कृष्ण का भजन। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहे तुगे तो ही, कि जन्म जन्म में मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो, चाहे स्वर्ग में जाएं चाहे नरक में, हमारी कोई मांग नहीं है। तो ये जो है भावना भक्ति की होती है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा की जय, गौर निताय की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो, हरे कृष्ण।